गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त हम कंट्री इन होटल के सामने खड़े हैं। हमारी रात यहीं गुजरी और ये हमारी गाड़ी है, आप देख रहे हैं। अमृतसर ने हमारा बारिश से स्वागत किया है। इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है लेकिन थोड़ी रुक गई है, इसलिए हम बाहर निकले और हमने ये रिक्शो हायर किया है। ज़रा इस तरफ आप घुमाइए, आप देख सकते हैं। आज हम इसी रिक्शो में हम घूमने वाले हैं और चार पांच जगह है जो हमने देख लिए है, वो हम देखने जाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि बारिश आए नहीं, वैसे बारिश की ज़रूरत है खेती के लिए, लेकिन आज के दिन प्लीज़ बारिश आप रुक जाइए। चलिए भैया, रेडी रेडी रेडी। अब हम आए हैं सबरी भटूरे शॉप पे, जहाँ पर छोले भटूरे और भी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो हम ट्राई करेंगे कैसा है, लेकिन खाना तो ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और लुत्फ़ उठाते हैं छोले भटूरे का। इस वक्त हमारी ऑटो रिक्शा वाले बाइक के साथ आए हैं। इनको हमने ये बताया रास्ते में कि हमें चाय पीनी है, क्योंकि सुबह हमने चाय नहीं पी है। बिना चाय पिए सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो वो हमें इस वक्त ये चाय वाले चाचा जी के यहाँ लाए हैं, जिनकी चाय बहुत ही अच्छी है, मशहूर है अमृतसर में। जैसे देख रहे हैं रास्ते चौड़े हैं, पीछे मेन गेट था, वहाँ से चल के आना पड़ता है किले के गेट तक। वो आप सामने जो देख रहे हैं वो किले का गेट है। अगर मैं कहूँ तो आप जो पानी देख रहे हैं वो हर किले के आगे इतनी बड़ी बड़ी खाई खोदी जाती थी और उसमें पानी भरा जाता था ताकि दुश्मन किले के अंदर प्रवेश न कर सके।
टाइम नहीं है, थोड़ा सोते हैं, वो नहीं देखेंगे। और उसके बाद सबसे ज़रूरी है गोल्डन टेम्पल देखना। तो जलियांवाला बाग देखने के बाद जाते हैं गोल्डन टेम्पल। दोस्तों हम आ गए हैं जलियांवाला बाग स्मारक पे। यहाँ पर उनका एंट्रेंस है और 1616 में जो अंग्रेजों ने गद्दर मचाया था उसका स्मारक यहाँ पर है, आप अगर देख सकते हैं तो राइट। और अब हम अंदर जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। दोस्तों हम आ गए उस मैदान में जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं। यहाँ पर सिख लोग एक शांति प्रिय सभा के लिए इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर को ये पता लग गया था कि यहाँ पर सिख लोग इकट्ठा हुए शांति प्रिय सभा के लिए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ काला था जिस वजह से उसने अपनी सेना को यहाँ प्रवेश कराया। उस प्रवेश द्वार को उन्होंने मतलब सील कर दिया अपने आदमियों से, सबको यहाँ काम पे लगा दिया और कहा कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, सिख पुरुष, सिख स्त्री, सिख बच्चे भी थे उसमें, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। इतना बुरा हाल उन्होंने किया था जनरल डायर ने उस वक्त, बहुत बुरा हुआ था। देखिए हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, या आप अगर गलत कर रहे हैं तो ये स्टॉप कर दो। हालांकि वो गलत नहीं कर रहे थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय सभा में दाखिल हुए थे, फिर भी जनरल डायर ने अपने सेना के साथ सबको गोली से भून लिया, सबको मार दिया। बहुत क्रूरता चलाई उस वक्त, बहुत क्रूरता दोस्तों। अभी निकाल दिए, लो जी मैंने तो दो ये। हेलो कैसी लगी कुल्फी? बढ़िया माला सर मारा। तो ऊपर मकान लेना पड़ेगा रेंट पे, कोई बात नहीं सर, खाने के लिए कोई बात नहीं। पे नी पे नी पे नी पे आई खोए वाली खोए वाली खोए वाली वाली आयो अभी पे। एक फेमस ज्ञान की लस्सी की शॉप के सामने खड़े हैं। अब आपको दिखाएंगे कौन कौन सी लस्सी अवेलेबल है यहाँ पे। सर अमृतसर की बहुत ही फेमस लस्सी हम आज पीने आए हैं और हमें कई लोगों ने बताया कि यहाँ की लस्सी ये वगैरह होगी तो जा ही नहीं सकती। आगे आ जाओ, चलो इसका लुत्फ उठा देंगे।
वाली ज्ञान की लस्सी। Blah 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 bl